एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, इस ब्लॉग में आप सब देखेंगे रक्षाबंधन फेस्टिवल जो मैंने अपने घर पे सेलिब्रेट किया, और मैंने अपने भाई के साथ कुछ मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ। सो इस ब्लॉग में आप सब देखेंगे रक्षाबंधन की तैयारी जो मैंने 2 दिन पहले से स्टार्ट की, और फिर आज का फेस्टिवल जो मैंने सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास त्यौहार मनाने वाले हैं जो भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते का को सम्मानित करता है। तो मैंने इसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर दी। तो मैंने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाकर मेहंदी लगवाया, जो कि आप देख सकते हैं मेहंदी का रंग कितना खिला खिला उभरा है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और मैंने ये बुलवा कर लगवाया घर पे। सो ये देखिए कितनी सुंदर कलर आया है मेरा मेहंदी का। और अब हम लोग राखी की तैयारी शुरू करेंगे, आज रक्षाबंधन है। तो चलिए सबसे पहले हम राखी की थाली सजाते हैं, तैयार करते हैं। हमारे पास 4 से 5 सुंदर राखियां हैं जो और भी मेरी बहनों ने मेरे भाई के लिए भेजा है। और सबसे पहले तो मैंने घी डाला दिए में, मैंने दिया तैयार किया दीपक, कुछ मिठाइयाँ, एक दिया और तिलक रखे मैंने थाली में, रोली, चंदन, अक्षत, जो कि आप सब जानते हो रक्षाबंधन में ये सब कुछ रखना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना ये त्यौहार अधूरा है। ये थाली मैंने अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तैयार करके सजाई है। सो गाइज, ये देखिए मेरी थाली अभी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें माचिस एक रखूँगी और राखियाँ मैं सारे खोल के पहले ही रख चुकी हूँ, और मिठाइयाँ मैं अभी डाल रही हूँ। ये मिठाइयाँ मैंने मंगवाई हैं जो मेरे भाई की फेवरेट हैं, काजू कतली, खीर मोहन, खोआ बर्फ़ी, ये सब कुछ मैंने मंगवाया हुआ है, उसे बहुत पसंद है। सो अभी मेरी राखी की थाली बिल्कुल रेडी ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आज का दिन काफ़ी अच्छा है और मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है, हम लोग इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, ये देखिए मेरी राखी की थाली बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। मैंने सारी राखियाँ अभी खोल के रख ली है, सारी बहनों की और मेरी खुद की। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन रिचुअल। सिस्टर्स टाई द राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट, praying for his happiness and long life in return. Brothers promise to protect their sisters throughout their lives. तो सबसे पहले हम तिलक करेंगे रक्षाबंधन में। सबसे पहले आप तिलक लगाएं अपने भाई को, ऐसे मैंने लगाया, पहले हम तिलक लगाएंगे, रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे हम अक्षत के साथ। फिर हम आरती दिखाएंगे अपने भाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी भविष्य की कामना करते हुए, आशीर्वाद देते हुए हम आरती दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम राखी बांधेंगे। ये देखिए मैंने अपने रिचुअल्स पूरे किए हैं, अब मैं राखी बांधूंगी अपने भाई को। ये सारी राखियाँ मैंने एक के बाद बैक टू बैक बांधी है, पहले मैंने अपनी राखी बांधी है, फिर मैंने अपने सारे बहनों की धीरे धीरे राखी बांधना स्टार्ट किया है। 4 से 5 राखियाँ हैं, ये देखिए अब मैंने राखी बांधना शुरू किया है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म ही नहीं है, यह भाई बहन के बिना शर्त प्यार और देखभाल का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितना भी लड़ें, दिन के अंत में हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और ज़िंदगी भर साथ ही रहेंगे। खुशी खुशी हमें एक साथ अपना जीवन बिताना है। ये देखिए मैंने राखी बांध दी अपने भाई को, ये और फिर मैंने मिठाई खिलाया, चारों की चारों राखियाँ मैंने बांधी।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे साथ रक्षाबंधन मनाने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक और सरप्राइज है, सारी राखियां बांधने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, एक के बाद एक मैंने बांधी आराम से बिना कुछ हड़बड़ी के। अब मैंने सारी राखियाँ बांध दी, अब मैं अपने भाई को मिठाई खिलाऊंगी। देखिए काजू कतली उसे पसंद है, मैंने काजू कतली और सारा मिठाई उसे बाउल उधर दे दिया, उसे जो पसंद आया वो खाएगा। अब हम लोगों ने ये बांधने का रस्म शुरू किया। ये मेरी मम्मी मुझे बांध रही है, इसे हम लोग ढोलना बोलते हैं। ये देखिए आज मेरी भाभी नहीं है घर पर, तो मेरी मम्मी ने मुझे ढोलना बांधा। और अब ये रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म।